दौड़ जा, गर्दन को झुका देता है खैरात का पत्थर। जहां में मांगने वालों के सर कभी ऊंचे नहीं होते, और गैरत है बड़ी चीज जहाने तगो दो में, पहनाती है ये फक्र को ताज सरदार। हजरत सलमान फारसी के घर में ना दो तीन मेहमान आ गए, तो आप तशरीफ फरमा थे। हमें हम जब किसी के यहाँ जाते हैं तो नोट भी तो बड़ा करते हैं ना, पंखा कहाँ से लिया जी आपने, ये टाइलें कहाँ से आई हैं। और कई ऐसे बेवकूफ़ हैं जो कहते हैं बर्तन एक जैसे नहीं है आपके घर में, तो मेरा दिल करता है इसे कहूँ कि तूने ले आने थे आती दफा, तो मतलब इतना भी शौक था तो ले आता दो दर्जन गिलास। वो तरीका है तेरे साथ, वो नमक भी थोड़ा सा लाइएगा, अचार नहीं मिल सकता तो भैया तू घर जाकर रोटी खा, हाँ तू तकलीफ ना दे सामने वाले, वरना जो वो रख। और कई नेक थोड़े ज्यादा नेक हो जाते हैं, हालांकि रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया किसी के घर खाना खाओ तो तफ्तीश ना करो, कानों में फूके मारते हैं इसका रिज्क सही है। और मैंने कहा ये तकवा जो तूने इख्तियार किया ये ठीक नहीं, जसूसी दीन में जायज, हाँ अगर तय हो गया कि रिज्क मशकूक है तो फिर तू परहेज कर, लेकिन जासूसी कच्चे आदमी के बारे में बदगुमानी करने का क्या मतलब। हजरत सलमान फारसी के पास कुछ लोग आ गए, चंद चीजें उनके सामने रखी, और रखते ही हजरत सलमान फारसी फरमाने लगे तुम्हें वो रोटी दे रहा हूं जो मैं शौक से खाता हूं, और अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकल्लुफ की इजाजत देते तो मैं तकल्लुफ करके खाना लाता, यानी कीमती चीजें कीमती। मैं कई दफा दोस्तों से कहता हूं कि मेरे लिए खाना ना पकाए, मैं घर से खा लूंगा, चार पांच घंटे गुजर जाते हैं इंसान वापस जाके घर खा लेता है। वो कहते हैं जी क्या मसला है, तो मैं कहता हूँ यार इतनी गर्मी में अगर आप खवातीन को खड़ा करेंगे चूल्हे के आगे खाना पकाने के लिए तो वो तो आने वाले पीर साहब को दुआ कोई नहीं देगी, तो कहेंगे कि इतनी शदीद गर्मी है। तो इसी तरह का मामला सर्दी में है, एक आदमी बड़ी मुश्किल से दुनिया के काम करता है तो वो जाएगा आएगा कितना तकल्लुफ होगा, और फिर अगर कोई दीनी आदमी है इदारे का तो उस बेचारे को तो किसी को कहना पड़ेगा कि खाना पका दे, तो फिर वो शख्स भी कई बातें सुनाएगा, हजरत साहब बंदे 11 होने चाहिए 12 ना हो, तो बड़ा मुश्किल है ना जी। तो मैं कहा करता हूँ कि जल्द से सस्ते करो ताकि ज्यादा होने शुरू हो जाए, तबलीग का काम थोड़ा सा बढ़ गए, इनको सस्ता करो, इतना महंगा कर दिया, गरीब आदमी की तो पहुंच भी नहीं है, वो तो हाथ भी नहीं डालता, कहता जी मेरे से वजनी है ये काम। हजरत सलमान फारसी ने उनके आगे खाना रखा और कहा कि तकल्लुफ अगर जायज होता तो करता, लेकिन जो खाता हूं वो तुम्हारे आगे। एक शख्स कहने लगा जनाब अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है, पर कभी थोड़ा सा पुदीना मिल जाए ना, खाते हैं ना कुछ लोग, कहते हैं मैं बगैर पेप्सी के दोपहर की रोटी नहीं खाता, तो पेप्सी शापर में डाल के साथ लेके जाए, बल्कि ज्यादा मशवरा यह है कि रोटी घर खाए। इखलाकी रवैये आपको दुनिया के सामने वाजे करें, वरना आप तो दूसरे की इज्जत उतार देंगे। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला ने बाहर गए तो आपके पास लोटा था पीतल का, अब तो लोटे सिर्फ वाशरूम में रह गए हैं, वरना लोटा सबसे ज्यादा वुजू करने के काम आता था, क्योंकि कुएं से लोग पानी भरते थे तो लोटे में जब डाल लेते थे तो उसकी नल से फिर वुजू करना आसान रहता। हजरत सलमान फारसी कहते हैं मेरे पास कीमती चीज सिर्फ लोटा ही था जिससे मैं वुजू करता था। उसने कहा ना पुदीना खाना है, तो फरमाते मैं बाजार गया, लोटा मैंने गिरवी रखा, लोटा गिरवी रख के मैं वापस आया। खुददारी की बात अर्ज कर रहा हूं कि हमने किस तरह करके रहना। कहते जब मैं वापस आया पुदीना लाया तो उनको मैंने खाना दिया, पुदीना दिया खाने के साथ उन्होंने इस्तेमाल किया, तो वही आदमी दुआ करने लगा कि ए अल्लाह तेरा शुक्र है, तू जो तूने हमें दिया था हमने कनात करके खा लिया, ये दुआ मांग रहा है, या अल्लाह तेरा शुक्र है जो मिला था कनात से खा लिया। तो सलमान फारसी फरमाते मैं तड़प उठा, मैंने कहा अगर तुम कनात वाले होते ना कनात वाले तो आज मेरा लोटा गिरवी ना होता, तुम कनात वाले। और हाँ मेरे भाई अगर हम खुददारी वाले होते तो किसी बेटी के बाप पे कर्जा ना होता, अगर हम खुददारी वाले होते ना तो कोई बाप कोई भाई सारी जिंदगी परदेश ना गुजारता बहन की शादी कर देगी, हम कनात वाले नहीं। हमने मुशक्कत में अपने आप को भी डाला दूसरों को भी डाला, हमारे लालच ने लोग तबाह कर दे, खुददारी इज्जत नफ्स आपको बेदार करे। बहुत सारी इस मौजू पर बातें करनी थी लेकिन आखिर में एक बात बड़ी जरूरी है जो उसको जरूर समझे, बदअकीदा और बद मजहब से आप जरूर इख्तलाफ रखें वो जरूरी है, लेकिन अपनों की गलतियां माफ करना सीखें, वरना उम्मत में कभी बेदारी पैदा नहीं होगी।